सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल विद अ फ्रेश वीडियो। तो इस वीडियो में मैं डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूँ कैसे आप स्नैपडील ऐप में जो रिमोट फोटोग्राफी का ऑप्शन है उसको यूज कर सकते हो। तो आप लोगों ने अगर मेरा इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं इस तरीके का फोटोग्राफी रिलेटेड एंड कैमरा रिलेटेड वीडियो बनाते रहता हूँ, तो आप इस चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर सकते हो। सो बने रहिए इस वीडियो में एंड लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले आपको जो स्नैपडील ऐप है उसको खोल लेना है। तो उसके बाद आपका जो DSLR है उसको आपका जो फोन में स्नैपडील ऐप है उसके साथ कनेक्ट कर लेना है, जैसे आप लोग देख सकते हो स्क्रीन में। तो इस कनेक्शन के रिलेटेड वीडियो में और भी पहले बना चुका हूँ, जिसमें मैंने पूरा स्नैपडील ऐप के बारे में एक ओवरऑल पूरा वीडियो बना के रखा है, तो आप उस वीडियो को एक बार चेक कर सकते हो। तो मैं उसका लिंक आई बटन और डिस्क्रिप्शन दोनों में दे देता हूँ, आप उसमें से चेक कर सकते हो। कनेक्ट होने के बाद आप देख सकते हो इधर एक रिमोट फोटोग्राफी का ऑप्शन दिखा रहा है, तो आपको सिंपली इधर क्लिक करना है और ये जो जो ऑप्शन मांगेगा तो आपको उसको ECS करके जाना है। तो आपको एक बात बोल दूं, आपको ये ऑप्शन यूज करने का टाइम आपको जो वाईफाई है फोन का वो आपको ऑन रखना है। तो अभी आप देख सकते हो आपका जो रिमोट फोटोग्राफी का ऑप्शन है वो एक्टिवेट हो चुका है। तो आप इधर सेटिंग बटन को प्रेस करके एक बार देख सकते हो, इधर बहुत सारा ऑप्शन है। ऐसे आप आपका जो फोटो का साइज है उसको चेंज कर सकते हो। उसके बाद सेल्फ टाइमर अगर आपको लगाना होगा तो आप उसको भी लगा सकते हो, और आप जो लाइव व्यू है उसको भी एक्टिवेट या डीएक्टिवेट कर सकते हो। तो अभी ये मैनुअल मोड में है, तो अभी आप देख सकते हो उधर ऊपर क्लिक करके आप कोई भी मोड सिलेक्ट कर सकते हो। तो आप देख सकते हो आपका कैमरा का पूरा स्क्रीन बंद हो चुका है, तो सब्जेक्ट अभी कैमरा के स्क्रीन में ना आके आपका फोन में सीधा आ जाएगा। तो अभी मैं आपको दिखाने के लिए फिर से इसको मैनुअल मोड में सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हो फोन से ही आप कैमरा का जो शटर स्पीड है, ISO है और जो एपर्चर है उसको आप कंट्रोल कर सकते हो, और आप फोन के स्क्रीन में टच करके ही आपका जो फोकस है उसको चेंज कर सकते हो। तो अभी मैं शटर बटन को क्लिक करके एक पिक्चर क्लिक किया, तो आप देख सकते हो ये पिक्चर डाउनलोड हो रहा है। तो अभी मैं फोन में जो ऐप है उसको बंद कर देता हूँ, और आप देख सकते हो कैमरा में भी वो सेम पिक्चर आ चुका है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप उसको कमेंट में लिख सकते हो, क्योंकि आप लोगों का एक एक कमेंट मुझे बहुत मोटिवेट करता है और भी नया नया वीडियो बनाने के लिए। और आपको ये वीडियो अगर यूजफुल लगे तो आप इसको एक लाइक कर सकते हो, और अगर आप इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप एक बार सब्सक्राइब भी कर देना, क्योंकि मैं इस तरीके का वीडियो फ्यूचर में भी और भी बनाने वाला हूँ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।